हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माइसेल्फ नवीन तिवारी। डेफिनाइट इंटीग्रल्स के क्लास 12th में डेफिनाइट इंटीग्रल्स के 10th क्वेश्चन कंप्लीट मैंने आपको बता दिए थे, उसकी वीडियो यहां पर अपलोड कर दी गई है। आज 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल्स जो है कोई नया इंटीग्रल नहीं है, वो इंडेफिनेट इंटीग्रल की तरह है, सिर्फ इसमें जो है उसकी वैल्यू फिक्स आती है, ठीक है, क्योंकि उसमें लिमिट दी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जैसे 10th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज आपको 11th क्वेश्चन बताते हैं। 11th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसकी लिमिट है 2 से 3, 2 to 3, ये इसकी लिमिट आपको दे रखी है। 2 लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है। तो इसको पहले आप लेट i मान सकते हैं 2 to 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। जैसे कि ये देखिए एक प्रकार का फॉर्मूला ही है, इसको ज्यादा इसमें समझने की आवश्यकता है, केवल फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप एक्सपेंड कर दिए। ये एक फॉर्मूला आपका होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, ये फॉर्मूला आपका होता है 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो x आपका वेरिएबल्स हो गया और 1 कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आप इसको के फॉर्म का ही है, इस फॉर्मूले के फॉर्म का। तो सीधे एक्सपेंड करते हैं 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। इसमें यहां पर ये आएगा, सॉरी, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये होता है। इसमें ए कॉन्स्टेंट है, यहां पर कॉन्स्टेंट 1 है और एक्स वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इसमें मैंने एक्सपेंड कर दिया। आप इसको एक्सपेंड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिमिट रख देनी है। लिमिट रखने का तरीका वही है, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। 1 अपॉन 2 लॉग 3 माइनस 1, एक्स की जगह वेरिएबल की जगह लिमिट रखी जाएगी ऐसे 1 अपॉन 2, या आप 1 अपॉन 2 को ऐसे पूरा भी बाहर ले सकते हैं क्योंकि 1 अपॉन 2 दोनों के लिए है। ये मैंने यहां पहले अपर लिमिट रख दी, लॉग 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस लॉग आपका दूसरा आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और ऐसे यहां पर इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंड आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 ऑफ लॉग 3 माइनस 1 2 अपॉन 4 माइनस लॉग 1 अपॉन 3। आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n। आप इसको ऐसे कर सकते हो 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 3 करेंगे तो 3 अपॉन 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर i इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2 log 3 अपॉन 2, ये इसका आंसर बन जाएगा 1 अपॉन 2 log 3 अपॉन 2। उसके बाद आपका जो 12th क्वेश्चन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, 0 to π/2
कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो पहले आप आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। जैसे कि मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में बताया था कि कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स कि जो इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट नहीं होता है, ये फॉर्मूले की हेल्प से किए जाते हैं। तो इसमें कॉस टू एक्स का फॉर्मूला देखिए, ये हर जगह काम आता है। कॉस टू एक्स इज इक्वल टू आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। पहले इस वाले फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस टू एक्स अपॉन 2। तो आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 प्लस कॉस टू एक्स, और 1 अपॉन 2 को ऐसे बाहर ले लीजिए क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। 1 अपॉन 2 0 टू पाई बाय 2 एक तो आपका हो गया डी एक्स, डी एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 कॉस ऑफ 2 एक्स डी एक्स। अब जैसे कि डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स 0 टू पाई बाय 2 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन वैसे ही होता है, इसमें जो कोफिशियंट है अपॉन में आ जाता है। कोफिशियंट क्या हो जाएगा आपका अपॉन में आ जाएगा, तो जाएगा साइन टू एक्स, साइन टू एक्स अपॉन 2, और ये आपकी लिमिट रख देंगे 0 टू पाई बाय 2। अब थोड़ी सी इसको और एक्सपेंड कर देते हैं यहां पर। I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 फर्स्ट तो आपका हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, ये तो आपका हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1 बाय 4 ये 2 से यहां 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय 4 हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाय 2 पहले अपर लिमिट माइनस साइन 2 इंटू 0 ऐसे करके लिमिट रख देंगे। तो ये आपका आई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2 और 1 बाय 2 मल्टीप्लाई होकर आपका आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस 1 अपॉन 4 ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया साइन 180। साइन 180 होता है साइन 90 प्लस 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा साइन 90 प्लस 90 हो जाएगा कॉस 90, एंड कॉस 90 की वैल्यू साइन 0 0 होता है तो कॉस 90 हो जाएगा 0, एंड माइनस 2 इंटू 0 0 साइन 0 आपका 0 ही हुआ। तो आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पाई बाय 4 क्योंकि ये इससे 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा ही होल 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट है 2 से 3 2 टू 3 डीएक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने में क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन करने का तरीका तो वही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इसको आई कर लेंगे, आई इज इक्वल टू इतना लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी होगा तो इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि डीएक्स को भी डीटी में कन्वर्ट करना है, तो 2x 1 का 0 इज इक्वल टू डीटी बाय डीएक्स। टी का यदि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा डीटी अपॉन डीएक्स, या एक्स डीएक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ
dt। अब यहां पर दो तरीके हैं देखिए करने का, एक तो आपने जब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी रखेंगे तो ये वन अपॉइंट टी बन जाएगा। अगर ये वन अपॉइंट टी बनेगा तो ये जो टू और थ्री लिमिट दी है ये एक्स की दी है, टी की नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन आप लिमिट रखेंगे टू एंड थ्री। एक यह है कि आपने जैसे यहां पर इसको टी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट को भी हम टी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, यहां पर देखिए वेन पहले यहां पर एक्स इज इक्वल टू है, वेन एक्स इज इक्वल टू टू देन एक्स की वैल्यू टू इस पर रखेंगे तो ये जाएगा टू स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टी है तो टू टू जब फोर प्लस टी इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा फाइव। ये लिमिट जो है सब्सटीट्यूट कर दी जा रही है, टी में सब्सटीट्यूशन किया जा रहा है लिमिट का, ठीक है। एक्स की लिमिट को हम टी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा उस केस में टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं रखेंगे बल्कि टी में ही लिमिट रख देंगे, क्योंकि लिमिट टी के फॉर्म में निकाली जा रही है। अब सेकंड में व्हेन एक्स इज इक्वल टू थ्री रखते हैं, एक्स इज इक्वल टू थ्री रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहां पर टेन। तो लिमिट आपकी क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल टू फाइव टू टेन, फाइव टू टेन एंड एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स आपका ही बन गया हाफ डी टी एंड वन अपॉन टी डी टी, पूरा आपका ही बन जाएगा क्वेश्चन। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स, वन अपॉन टी हो जाएगा लॉग टी। अब क्योंकि लिमिट टी में कन्वर्ट हो चुकी है इसलिए टी की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, तो वन अपॉन टू आपका लॉग ऑफ टेन माइनस लॉग ऑफ फाइव, तो आई इक्वल टू आपका आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग टेन बाई फाइव लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन, ये टू बार इससे कट जाएगा तो I इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग टू, तो ये इसका आंसर हो गया। ये आपका टू जीरो टू वन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन, पहले इसकी इंटीग्रेशन की फॉर्म बना लीजिए, इसको सेपरेट कर लेते हैं। लेट I इज इक्वल टू जीरो टू वन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा जीरो टू वन, ये जो है दोनों के लिए है टू एक्स अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक तो ही बना दीजिए, प्लस जीरो टू वन थ्री अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब इन दोनों का अलग अलग यहां पर इंटीग्रेशन कर, इसका तो सीधे हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लीजिए, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन को यदि आप टी लेते हैं तो इस केस में फाइव एक्स स्क्वायर का आपका हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एंड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन टेन डी टी, तो ये आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू टू बाहर ले लेंगे टू बाई टेन जीरो टू वन वन अपॉन टी, ये बन जाएगा आपका। यहां पर हमने लिमिट जो है टी में कन्वर्ट नहीं कर रखी है, तो पहले हम ये जो लिमिट होती है एक्स की होती है, जिसमें यहां पर इंटीग्रेशन का फंक्शन होता है उसी की लिमिट होती है, एक्स में होगा तो एक्स की होंगी, y में होगा तो y में होगी, z में होगा तो z में होगी। तो यदि हमने t माना है तो t में हमने यहां पर देखिए कन्वर्ट नहीं कर रखी अभी, तो हम t की वैल्यू पहले रखेंगे उसके बाद लिमिट रखेंगे जीरो और वन, ठीक है। सेकंड आपका यह है प्लस, यहां से आप थ्री अपॉन फाइव को बाहर ले लेते हैं, फाइव यदि बाहर ले लेंगे तो जीरो टू वन
ये आपका हो जाएगा वन अपॉन एक्सी स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव, एक्सी स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव, टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन, एंड आई इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव, वन अपॉन टी आपका हो गया लॉग टी, एंड टी मीन्स फाइव एक्सी स्क्वायर प्लस वन। पहले आप टी की वैल्यू रखेंगे क्योंकि लिमिट हमने कन्वर्ट नहीं कर रखी है टी में, लिमिट एक्स की है, और इसमें आप लगा देंगे एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले उस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, जीरो टू वन एक्स का स्क्वायर इज वन अपॉन रूट फाइव का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, रूट ऑफ फाइव, वन अपॉन रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिए इसको जरा, हाँ, आई इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव, इसमें रख देते हैं लिमिट लॉग ऑफ फाइव इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग ऑफ फाइव इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस वन। ये तो आपका ये वाला स्टेप आ गया, और इसमें वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करिए, प्लस थ्री अपॉन फाइव, ये हो जाएगा वन अपॉन ए, ए आपका ये एक्स हो गया, ये हो गया, ए आपका वन अपॉन रूट फाइव है, तो वन अपॉन रूट फाइव टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन वन अपॉन रूट फाइव, और ये इसकी लिमिट आ जाएगी जीरो टू वन, पता नहीं क्या लिख दिया है, जीरो टू वन, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जीरो टू वन। अब आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वन बाय फाइव लॉग ऑफ सिक्स, वन का स्क्वायर वन, फाइव प्लस वन सिक्स, माइनस लॉग ऑफ जीरो, लॉग ऑफ लॉग वन हो जाएगा, थ्री अपॉन फाइव, ये जाएगा रूट फाइव अपॉन वन, और टेन इनवर्स रूट फाइव एक्स, जीरो टू वन, ये रेसिप्रोकल ऊपर चले गया रिवर्स होके। तो लॉग वन की वैल्यू होती है जीरो, लॉग वन क्या होता है जीरो, लॉग फाइव लॉग ऑफ सिक्स, लॉग वन की वैल्यू तो आपकी जीरो होगी, तो रखना तो रख लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रूट फाइव से आपका फाइव कट जाएगा रूट फाइव बार, तो थ्री अपॉन रूट फाइव, एंड इसमें लिमिट रख देंगे टेन इनवर्स रूट फाइव इंटू वन माइनस टेन इनवर्स रूट फाइव इंटू जीरो। तो ये वाला अगले स्टेप में आपका आ जाएगा वन बाई फाइव लॉग ऑफ सिक्स प्लस थ्री अपॉन रूट फाइव टेन इनवर्स रूट फाइव एंड टेन इनवर्स जीरो, टेन की वैल्यू जीरो जीरो में ही होती है, तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर इस टाइप का आ जाएगा कुछ, आई इज इक्वल टू वन बाई फाइव लॉग ऑफ सिक्स प्लस थ्री अपॉन रूट फाइव एंड टेन इनवर्स रूट फाइव, इसका आंसर हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।